वेलकम टू यूट्यूब स्टडी माई सेल्फ दिनेश। दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी 2020 का ये जो है आपका पेपर का आंसर शीट लेकर आ चुका हूँ। मैंने जो बताया था उसमें से केवल 70 नंबर का प्रूफ के साथ फंसा है। आपको मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि जो भी चीजें मैं कल पढ़ाया था उसमें से केवल 70 नंबर का है, एकदम हुब टू हुब 70 नंबर। और आप फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए डेली। आपको वीडियो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाते रहूंगा। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए और अपना यहां से आंसर पूरा जांच कर लीजिए कि कितने नंबर के आप करके आए हैं। और पूरा आंसर साथ में लाया हूं, पूरा फास्ट यानी कि तेजी से इस पूरे पेपर का आंसर मैं देने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हर एक सब्जेक्ट का पाना चाहते हैं तो आपको मैं यहां पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको 70 नंबर का पूरा जो तैयारी कराया था यहां पे मैं कल ही बताया, तो सारा चीजें यहां पे आया है 70 नंबर। तो बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि वो भी अपना आंसर यहां से जांच कर ले। देखिए लिखा है पहला खंड क से, लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए, सुमित्रा नंदन पंत की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, कि अज्ञेय की। तो देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं जो आपके तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, ये सही है। ठीक है ना, आपको मैं सारा चीज बताऊंगा कि क्या क्या ये वाला मतलब कि नहीं बताया था, लेकिन जितने भी चीजें आया है मैं सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए विशस्य विषमोषधम की गद विदा है। तो ये देखिए कहानी की, नाटक की, उपन्यास की, निबंध की। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाटक की है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोड जो है आप देख सकते हैं कि 302ZK, अगर जिस बच्चे का होगा वो मिला ले या नहीं है तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ग नंबर लिखा है कि अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो आपको मैं बता दूं कि अज्ञेय जी कौन है, तो अज्ञेय जी फास्ट रिविजन में कराने वाला हूँ। ठीक है, लिखा है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो देखिए यहाँ पर जो हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक व पर्व, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। तो देखिए जो निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है वो आलोक पर्व है। क्या है? आलोक पर्व, यानी कि सेकंड नंबर। इसके बाद देखते हैं कि निम्न में से डायरी विधा के लेखक, बहुत ही सिंपल है, आप इसका आंसर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए संपूर्णानंद सदल मिश्र, इसका कमेंट करके बताइए कि आप लोग की तैयारी थी कि नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ से कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको, रामचरितमानस की, कि पद्मावत को, कि पृथ्वीराज रासो को, कि रामचंद्रिका को। तो देखिए हिंदी का महाकाव्य माना जाता है किसको, तो पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं इसमें कि छायावाद की विशेषता है, तो इतिवृत्तमकता की, श्रृंगारिक भावना की, सौंदर्य और प्रेम। तो देखिए सौंदर्य और जो प्रेम है ना, ये छायावाद की विशेषता बताता है, यही है। ठीक है, अगला है गणमर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, पृथ्वी पुत्र की, परशुराम की प्रतीक्षा की, ऐसा कोई घर आपके आपने देखा है की, स्वर और किरण। तो देखिए जो ग नंबर है ना इसका, तो ग नंबर का इसका हो जाए सेकंड नंबर, ये परशुराम की प्रतीक्षा, यही है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। आगे बात करते हैं घ नंबर, इसमें लिखा है कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष, तो जो तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष हुआ था सन 1959 में, जो लोग ये लगाए हैं करेक्ट है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं कमायनी में सर्गों की संख्या। तो देखिए कमायनी जो है इसमें सर्गों की संख्या 15, मैंने ये सभी ये भी चीज बता चुका है, इसमें से दो बहुविकल्पी एकदम करेक्ट टू हुआ है। ठीक है, एक ये एक उधर था, यानी कि अब देखिए यही ये भी बता चुका हूं, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि निंदा का ही निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी होती है। ये मतलब शाम को बताया और सुबह के सेम वही आ गया है। ठीक है, 10 नंबर तो यहाँ से हो गया, यानी कि 13 नंबर की तैयारी अभी तक यहाँ तीसरा तक करा दिया हूँ। निंदा का मतलब इसका ये आया था, दिखा दे रहा हूँ। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक में से ज्यादा क्वेश्चन फंसा है, जैसे कि निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी होता है, और इसके इस चैप्टर का नाम है निंदा रस। ठीक है ना, और इस चैप्टर के मतलब लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे कैसे लिखा है इसमें, कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, या पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है, स्वर्ण में देवताओं का बिना श्रम क्या होता है। तो आपको दिखाता हूं, तो इसमें सबसे पहले इतना यहां से लेकर यहां तक पूछा है ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या की, बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर भी बनाई जाती है, यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर भाव वही लिखना था। इसके बाद निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। सिंपल सिंपल सा इसका आंसर एकदम देना, इसी में से मैंने बताया था गद्यांश जो बच्चे कर लेंगे
वो एकदम आसानी से कर लेंगे। और ऐसे ही फिजिक्स का हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप वो ट्रिक जान जाएंगे तो एग्जाम में एकदम आसानी से हल करके आएंगे। आगे ईर्ष्या द्वेष और निंदा को मारने के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए यहाँ पर निंदा और द्वेष जो यहाँ पर कहीं होगा तो मतलब इसी में से खोजना है गद्यांश में से, और इसी में से इसका आंसर मिलेगा सब कुछ। और दूसरा एक अथवा में आया था कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र, संस्कृत की तो ये भारती भारती वाला चैप्टर जो है ना, संस्कृत भारती उसी से आया था। ठीक है, आगे बात करता हूँ यहाँ पे चार नंबर, तो ये भी एकदम सिंपल सा है, एकदम दस नंबर दिए गए पद्यांश पर आधारित, लेकिन इसमें से जो मैं बताया था इसमें से नहीं आया है पद्यांश वाला में, लेकिन गद्यांश में से एकदम आया था, मैं अपना कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, पद्यांश में से नहीं आया था, लेकिन बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदु गात्र की देखा, तो इसमें दो दिया है इसमें से। तो ये सारा जो आपको दिखा रहा हूँ ना सिंपल सिंपल है, लेकिन आपको अगर जो भी लिखे होंगे आप पहला किए होंगे या दूसरा, ठीक है, लेकिन इसका मैं नहीं बताया था, लेकिन आगे पूरा मैं सोल्यूशन इसका देने वाला हूँ, पूरा ये जो देख रहे हैं पूरा इसका संधि विच्छेद पूरा पूरा बताने वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव से, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचित देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए जो कि 80 शब्दों में लिखना होता है, और ये पांच नंबर इस पे मिलता है। तो मैं शाम को बताया था, देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताया था और वासुदेव शरण अग्रवाल का, और इसका भी बताया था प्रोजी सुंदर रेड्डी, तो इनका भी बताया था मैं, इसका पांच नंबर यहाँ से प्रोजी देख सकते हैं, यहाँ पर विद्या से ही आया है, ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी का आप जीवन परिचय, इनका जन्म 1919 में हुआ था और 30 वर्षों तक या अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, पूरा ये हिंदी साहित्य योगदान जो भी चीजें अगर आप छोड़ मतलब लिख दिए होंगे रचना इनकी, अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, आप देख सकते हैं साहित्य में स्थानीय का प्रोफेसर रेड्डी एक श्रेष्ठ विचारक सम्मेलन, कुछ बच्चे इस पर भी लिखे होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, कुछ बच्चे लिखे होंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनको जो याद हो वो लिखे होंगे, लेकिन मैं ये तीनों बता दिया था, ठीक है, आप वीडियो जाकर क्लास 12th की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का इनका तो ट्रिक ही मैं बता दिया था, और मैथिली शरण गुप्त दोनों का बताया था, जय शंकर प्रसाद तो एकदम फेमस ही है, तो तीनों का भी मैं बता दिया था, ठीक है ना, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य, तो आप देख सकते हैं लाठी का अभी मतलब सामही को बताया था, आप देख सकते हैं ये वाला एकदम आपके सामने सब कुछ है, आप नहीं विश्वास करेंगे तो देख सकते हैं, मैं एकदम गद्यांश से बताया था जो कि एकदम लिखा था कि धुआंधार बैटिंग के साथ, उसी में सब कुछ ये बताया था, प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा वाला, आप देख सकते हैं लाठी वाला एकदम सेम वही बताया, लाठी शिवानी हिंदी की एक प्रसिद्ध महिला कथानक रही, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो मॉडल पेपर है सब उसी में से तो आया है, एकदम 70 नंबर का आया है, सेम टू सेम वही बताया था, इसमें से पंचलाइट कितने बच्चे लिखेंगे या कितने बच्चे लिखे होंगे ध्रुव तारा से, तो मैं लाठी का बताया था एकदम सेम वही आया है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्व पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना था, तो मैं इसका भी बता दिया था इसमें से कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण, तो आप देख सकते हैं कि इसका भी मैं पढ़ाया था, आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ग, आप परसों वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें एकदम सेम वही मैं बताया था, प्रस्तुत खंड काव्य की कथा द्रौपदी के चरित्र चित्रण संबंध यह कथानक महाभारत के संपूर्ण संपर्ण से ध्रुत क्रीड़ा की घटना पर आधारित है, आप देख सकते हैं मैं पूरा इसका लिख कर उसी दिन पूरा बता दिया था, लेकिन जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना सेम उसमें से 50 नंबर की तैयारी हो जा रही है, लेकिन ये हिंदी के है ना इसमें से 70 नंबर का आया, फिजिक्स में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा अंत तक मेरे साथ बने रहिए चैनल तक जब तक आपका पेपर है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें तो खंड ख, इसमें देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना था, तो ये वाला जो है ना ये नहीं बताया था, लेकिन ये तो सेम टू सेम आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ही सेम मैं यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिखा हूँ, ठीक है, उसी दिन लिखकर बताया था, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर बताया था कि 8 का क, तो देख सकते हैं कि ये जो हमारे हैं ये याज्ञवलय उवाच आपको दिखा दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो मॉडल पेपर मैं पढ़ाया था ये 2019 का, तो आप देख सकते हैं यही पढ़ाया था 7 नंबर की यज्ञवलय उवाच न वा अरे मैत्री पत्र यसु, ये मैं पढ़ा दिया था और इसी के पढ़ाकर यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या डालना सब कुछ बताया था, आप देख सकते हैं
खंड क मतलब प्रश्नोत्तर संख्या क आठ का क बताया था तो सेम वही आया, लेकिन जो प्रश्नोत्तर संख्या आठ का ख बताया था तो ये नहीं आया, लेकिन इसकी जगह दूसरा आ चुका है। तो ये वाला काफी आपको पूरा मैं बता रहा हूँ 70 नंबर जोड़कर अभी मैं बता रहा हूँ, टोटल अभी जोड़ा आप देख सकते हैं पेपर में यही आया है। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जैसे मैं बताया था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्गृत है, मैं बताया था। अनुवाद भी इसका पूरा बता दिया था सीरीज के सहायता से, किसी को याद कर लेना। इसके बाद में बता रहा हूँ आगे, तो दिए गए श्लोक में से किसी एक संदर्भ है, जैसे ये पहला है पीडांती यह सुचरितो पितरन सपुत्रो, तो इसका ये जो चैप्टर है अभी दिखा रहा हूँ कौन सा चैप्टर से ये आया था। तो ये जो है ना पीडाति यह, तो आप देख सकते हैं ये किताब में पीडाति यह सुचरितय, आप देख सकते हैं ये विद्या के क्वेश्चन से सेम फंस चुका है, 2013 में 15 में 18 में भी आया था। आपको दिखा दे रहा हूँ कौन से चैप्टर से सेम, पूरा आप समझ सकते हैं। जैसे कि सुभाषित रत्नानी इसी चैप्टर से है ये, आप देख सकते हैं कि इसका संदर्भ अगर लिखने के लिए बोला होगा तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष तरिनानी नामक पाठ से क्या है अवतरित है, इसका ये लिखे होंगे। और इसका अगर जो बच्चे ये लिखे होंगे उदेति सविता ताम्रतस्तमाम, इसका भी आप जान सकते हैं। तो ये काफी मैं इसमें से बताया था पेपर में वही आ गया था आपको। चलिए मैं बता रहा हूँ ये वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर रही है, तो वाक्य में प्रयोग करना था ठीक है। तो ये है मुहावरा एवं लोकोक्ति, तो देख सकते हैं कि उल्टी गंगा बहाना, पानी पानी होना, मक्खन लाना, कलाई खुलना, तो आप देख सकते हैं कोई एक ही इसमें से देना, जैसे कि उल्टी गंगा बहाना, तो आप ये भी देख सकते हैं मैं इसका भी पढ़ा चुका हूँ। उल्टी गंगा बहाना यानी कि नियम विरुद्ध कार्य करना, मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है यानी कि भलाई की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमें उल्टा गंगा बहाता है, तो ये हो गया इसका। अब आगे चलते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद बताइए, अब विकल्प चयन कीजिए। तो आप देखते जैसे लिखा है कि सचित का सही संधि विच्छेद होगा, तो देखिए सचित जो है ना सचित का यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है, तो चार ऑप्शन है सधन चित्त, सच धन चित्त, या सत धन चित्त, या सच धन इत। तो जो अ नंबर दिया है इसमें अ नंबर सधन चित्त वही हो जाएगा इसका सचित, ठीक है अ नंबर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दूसरा लिखा इत्यादि का संधि विच्छेद, इत धन आदि यादि, इत्य धन आदि, इति धन आदि, यही जो स नंबर है इसका ये हो जाएगा करेक्ट, यानी इति धन आदि इत्यादि का राइट। इसके बाद है प्रे जते का संधि विच्छेद, तो अ नंबर जो है प्रे धन जाते यही हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है इसमें कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति एवं वचन अनुसार चयन कीजिए। तो देखिए सरिति शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए, इसका भी सारा चीजें इसका भी बता दिया था दोस्त, सरिति का सब विभक्ति एवं वचन, तो इसका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन ठीक है। इसके बाद है कि रागे, देख सकते हैं रागे शब्द में विभक्ति एवं वचन, इसका जब वीडियो में बनाया सुबह सुबह तो उसपे कम से कम 20,000 व्यू चला गया, तो ये वाला क्वेश्चन उसमें से एकदम फिक्स आया रागे शब्द में विभक्ति एवं वचन, तो चतुर्थी विभक्ति एवं एक वचन हो जाएगा। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके बताइए, जैसे कि श्रवण और श्रवण इसमें से कौन सा होगा आप कमेंट करके पढ़कर थोड़ा बताइए, तो क्योंकि सिंपल सा एकदम श्रवण श्रवण का एकदम बता दीजिए कमेंट करके 11 का क नंबर का। इसके बाद जैसे कि ये दूसरा 11 का दूसरा द्रव्य द्रव्य, तो जो देखिए द्रव्य अद्रव्य दोनों को दोनों लिखा है द्रव्य ही, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कि द्रव्य द्रव्य द्रव लिखा है ना तरल पदार्थ हो जाएगा, अद्रव्य जो है धन हो जाएगा, यानी वन नंबर राइट आंसर ठीक है। आगे लिखा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ बताइए, यानी कि पर्यायवाची शब्द, तो अक्षत लिखा है, अक्षत जो है ना अक्षत का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बता रहा हूँ अक्षत का एक अखंड चावल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अखंड चावल ठीक है। एक और पूछा इसमें तो संपूर्ण अखंडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा संपूर्ण अखंडी अखंडित अखंडित हो जाएगा ठीक है, संपूर्ण अखंडित। इसमें से एक ही को बताना था लेकिन दो बताना था, तो एक ये दो बता दिया। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए जिसे कहा ना जा सके, मतलब जिसे कह नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं अकथनीय कहते हैं ठीक है। इसके बाद जो कभी जन्म नहीं ले उसको क्या बोलते हैं अजन्मा ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें।
आगे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके बताइए, जैसे कि मैं सकुशल सकुशल पूर्वक हूं, तो ये गलती है, इसको शुद्ध करने के लिए बोला था। तो मैं सकुशल हूं, तो यहाँ पे मैं सकुशल, यहाँ पर स में तलाबिस रहेगा, मैं सकुशल पूर्व पूर्वक, यहाँ पर मैं सकुशल पूर्वक हूँ, मैं यहाँ पर सकुशल पूर्वक हूँ, यहाँ पे शुद्ध करना है, बस दांती से दिया है, तलाबी से करना है। यहाँ पर सकुशल में वही, इसको वहां पे कर दिया, उसको यहाँ पे कर दिया, इस सब को उसमें कर दिया, ठीक है। अब आगे लिखा है इसमें कि मैं, नहीं सॉरी, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, इसको शुद्ध करना है, तो 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, तो 5 यहाँ पे पहले नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, रेलवे के 5 कर्मचारी पकड़े गए, इसमें से 2 ही बताना था, 2 बता दिए लाइन से। आगे देखते हैं कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक या दोहा या छंद कुंडलिया, तो इसको भी दिखा देता हूँ, सेम यही आया था जो बताया था मैं। जैसे कि पहला श्रृंगार रस है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्या में कि जो रस है यहाँ पर, ये श्रृंगार रस, तो ये भी काफी बार आया है, मैंने बता दिया ना, काफी बार आया, मैं इसको भी बता दिया हूँ। देखिए, इसका सहृदय नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वो श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसका एग्जाम्पल भी बताना था, तो एग्जाम्पल भी लिख दिए होंगे, तो अच्छा है। या वीर रस भी आया है, तो वीर रस भी लिख दिए होंगे। और इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, सारा चीज इसमें पूरा दिखाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं अलंकार में, तो अलंकार में अनुप्रस्थ अलंकार है, ये भी आया था। जितने भी चीजें मैं बताया था सेम हुब टू हुब आया है, और फिजिक्स में भी, इंग्लिश में भी, सब वैसे ही बताऊंगा। अब देखिए छंद है, तो ये भी छंद में यही आया था, चौपाई दोहा सोरठा कुंडलिया, तो कुंडलिया सेम आई ही आई गया है, दोहा भी जो लिखे होंगे दोहा लिखे होंगे, वो सोरठा लिखे होंगे वो सोरठा, मतलब सारा चीजें एकदम पढ़ा दिया हूँ, जो वही आया है सेम टू सेम। तो 6 नंबर तो यहीं से बन गया, तीनों आया है सेम टू सेम। इसके बाद तीसरा है 13वां नंबर क्वेश्चन, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। देखिए ये वाला सेम एकदम यही आया, इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ, इस पर काफी बच्चे देख चुके हैं, 2.5 लाख बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण को उत्पन्न स्थिति का वर्णन करने के लिए उस पर पत्र कैसे लिखेंगे, तो इस पर एकदम सेम टू सेम बना दिया हूँ, सेम वही आया है, लेकिन किसी विद्यालय के प्रबंधक को ये नहीं बताया हूँ, ठीक है। ये वाला जरूर मैं बताया हूं, तो आ चुका है। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको लास्ट ये क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे कि देखिए, वर्तमान में कृषकों की समस्या एवं उनका समाधान, मेरे प्रिय लेखक, इसका भी बना दिया हूँ, वनों की उपयोगिता, ये नहीं बनाया हूँ, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये भी बना दिया हूँ, ये तो एकदम पूरा वीडियो इसका वायरल ही हो गया, इस पर वीडियो पर 4,50,000 बच्चे देख चुके हैं। अभी इसका दिखा रहा हूँ वीडियो कहाँ बनाया हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इसका पढ़ाया हुआ सेम वही आया है। आपको मैं बताया था कितने पेज लिखना है, जैसे कि प्रदूषण तथा मानव समाज, आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, प्रदूषण की समस्या समाधान, वही एकदम सेम वही टॉपिक ही है एकदम, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन जो प्रदूषण, जो इस पर निबंध लिखना है सेम वही प्रस्तावना प्रदूषण की, और तो पूरा एकदम 4,500 बच्चे देख चुके हैं। और ऐसे ही फिजिक्स का बनाने वाला हूँ, जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, उसके रिप्लाई मैं देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, मिलते हैं।